आज हम 19 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे जिसमें 100% रियल प्रश्न होंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग फेक प्रश्न भी बता देते हैं, लेकिन हमने बहुत लोगों से क्रॉस वेरीफाई किया, फिर उसके बाद 50+ क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो एकदम रियल है और जो पूछे गए थे। और आपको तो ये बता दें कि मेरा जो कज़न है उसने भी पेपर दिया था, तो उसने बताया भैया हाँ यही प्रश्न आए थे। तो चलिए देख लेते हैं और आंसर क्या क्या होंगे उनके ये भी देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है पूछा गया था, तो मंगूभाई पटेल हो जाएगा राइट आंसर। वायुसेना के अध्यक्ष वीआर चौधरी जो हाल ही में बने थे, ठीक है, हमने करंट अफेयर में कवर किया था, अगर देखा होगा आपने तो आपको फायदा हो गया होगा। इसका नेक्स्ट है कि बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउंस कहते हैं, तो वर्ल्ड मैप के हिसाब से भी आपको बता दिया था कि क्या क्या पूछा जाना है, और एक बार वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा। कि सबसे सशक्त परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो पोखरण राजस्थान में। भारत के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त कौन थे पूछा गया था, सुकुमार सेन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट्सएप में UPI पेमेंट के लिए अपने पार्टनर के रूप में किसे चुना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SGFC, ICICI और Jio पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये पेमेंट बैंक्स हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट है, कोयल का पर्यायवाची पूछा तो क्या 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 हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा और एक काकपाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यमुना का पर्यायवाची पूछा था, जमुना हो जाएगा, कालगंगा हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वार्थी का विलोम पूछा गया था, निस्वार्थ हो जाएगा या परार्थ हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन का कब हुआ था, 1905 में, और इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, और इसके बाद 1907 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसकी कड़ी में ही शुरू हुआ था वो। नेक्स्ट है कि युमतांग घाटी कहाँ स्थित है, सिक्किम में। भरतनाट्यम का जन्म किस राज्य में हुआ, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विलोम शब्द पूछा गया था, तो हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये 3 सेक्शन, और अभी अभी पूछने लगा है संधि, ये भी देख लीजिएगा, तो इससे आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपके कम से कम 75-80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 सेक्शन अच्छे से देख लीजिए। और हिस्ट्री में आपको बताया था कि मुगल हो गया, मौर्य हो गया और ब्रिटिश भारत, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जिसमें कि रचनाएं पूछी जा रही है फेमस, जैसे कि अलबरुनी की हो गया, कालिदास का हो गया, है ना, इस टाइप के लोग पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, तो सल्तनत काल से पहला क्वेश्चन नहीं है, अब मतलब ये है कि सल्तनत काल पर शिफ्ट हो गया है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बेचैन होना। नेक्स्ट है, नलिन का पर्यायवाची पूछा गया, तो पुंडरिक हो जाएगा, कमल हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 19 सीटें मिली थी, और 75 RJD को मिली थी। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी, पेनगंगा और प्राणहिता, तो आप लोग को बताना है कि बिहार में कुल विधानसभा की कितनी सीटें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, तो निर्वाचन आयोग के वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, सुशील चंद्रा है। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, प्रयागराज में हुई थी 27 फरवरी 1931 को, और उस पार्क का नाम क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आजाद पार्क। इसका नेक्स्ट है कि CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, और LPG का पूछा जाएगा तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है, जो कि पूछ सकता है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 32 पूछा गया था, तो आपको बताया था कि आर्टिकल अमेंडमेंट्स, ठीक है, और जितने अधिनियम दिए गए ना, मतलब आज़ादी के पहले के 1909 से लेकर के 1947 तक, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो उसे देख लीजिएगा, बताया भी गया था आपको। ठीक है, तो जिसने देख लिया होगा तो उसका सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और एक वीडियो डाला था कुछ दिनों पहले मैंने आर्टिकल्स का, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर उस वीडियो को देख लिया होगा आपने, तो उस वीडियो से ही कम से कम आपके आर्टिकल जितने हैं वो, तो उसके बाहर उसमें से एक भी आर्टिकल बाहर नहीं जाएगा। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कुल कितनी परिक्रमा की है, तो कितना हो जाएगा, 9000 किलोमीटर, ऐसे ही शायद कुछ क्वेश्चन आया था। तो लैंडर और रोवर का नाम क्या हो जाएगा, प्रज्ञान, और लैंडर हो जाएगा विक्रम। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। कंधही कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से। फिर एक और आर्टिकल पूछ लिया गया था, आर्टिकल 144, तो सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता हेतु कार्य किया जाना।
ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट डे के रक्त का पीएच मान पूछा गया था 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट डे काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, वाराणसी में, पटना किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1921, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा रही, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये जरूर पूछा जाएगा नेक्स्ट पाली में। इसका नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड पूछा गया था किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत से, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1958 में। कामाख्या देवी मंदिर पूछा गया तो गुवाहाटी, एक ना एक मंदिर पूछ रहा है, तो ठीक है आपने अभी तक मंदिर की लिस्ट बना ली होगी, नहीं बनाई हुई तो लुसेंट से जाकर के देख सकते हैं। फिक्की के चेयरमैन पूछा गया उदय शंकर, ये हमने अभी नवीन नियुक्तियों में कवर किया था, अगर उस वीडियो को देख लेंगे आप, 2-4-5 मिनट का है तो उससे फायदा हो जाएगा आपको, और हम कोशिश करते हैं कि 4-5 मिनट की ही वीडियो बनाएं ताकि आप लोग का समय बचे। नेक्स्ट है कि महर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि, महाधन ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिलोन, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, 12 फरवरी 1921। मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफा खां का जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इसके बाद क्या पूछा था, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है, तो रशिया हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर, मतलब नवंबर महीने के 2-3 करंट अफेयर 2-3 दिवस पूछे गए, ठीक है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। कोयना बांध कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 नवंबर, ये देखिए। इसका नेक्स्ट है राष्ट्रीय कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर, मतलब 3 दिवस पूछ लिए वो भी नवंबर के, और नवंबर में पेपर चल रहा है सोच लीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। तो ये जीएस और हिंदी के क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कुछ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये था, 5 प्लेट ABCDE इस प्रकार है कि ए के ऊपर ई, बी के नीचे सी, ए के नीचे बी और सी के ऊपर डी है, तो सबसे नीचे कौन सा प्लेट है ये आपको बताना था, तो सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है इसे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से, राज्य का संबंध किससे होगा, तो राज्यपाल से होगा, ठीक है। राज्य का प्रधान क्या होगा, राज्यपाल हो जाएगा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से, गोंद का संबंध किससे है, तो चिपकाने से हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन है ये सब, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, आसानी से हो जाएंगे आपसे। एक ये क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, 7:50 फिर ∬11:? तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और वहीं 11 का स्क्वायर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजनिंग का एक और क्वेश्चन था, MNOP PQRS और EFGH, तो HIGK, ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि क्रमानुसार आगे बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों को सही आंसर मिल सके और 100% जो रियल क्वेश्चन है वो एक्चुअल में पता चल सके लोगों को, ठीक है। और प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।